प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार यानी आज को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए असम के नलबाड़ी पहुंचे। यहां रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 4 जून को नतीजा क्या होने जा रहा है ये साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए लोग कहते हैं कि 4 जून 400 पार। फिर एक बार मोदी सरकार। नलबाड़ी में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आज पूरे देश में मोदी की गारंटी चल रही है और नॉर्थ ईस्ट खुद को मोदी की गारंटी का गवाह है। जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने केवल समस्याएं दी थी, भाजपा ने इसे संभावनाओं के स्रोत में बदल दिया है। कांग्रेस ने अलगाववाद को बढ़ावा दिया और मोदी ने शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किए जो कांग्रेस 60 वर्षों में नहीं कर सकी, मोदी ने 10 वर्षों में किया। उन्होंने आगे कहा कि मोदी ने गारंटी दी है कि 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। मोदी बिना किसी भेदभाव के उनके इलाज का ख्याल रखेंगे। रामनवमी के खास अवसर पर उन्होंने कहा कि पूरे देश में एक नया माहौल है और भगवान राम का यह जन्मदिन 500 साल बाद फिर आया है, जब उन्हें अपना जन्मदिन अपने घर में मनाने का सौभाग्य मिला है। आज पूरे देश में मोदी की गारंटी चल रही है और नॉर्थ ईस्ट तो खुद ही मोदी की गारंटी का गवाह है। जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने सिर्फ समस्याएं दी थी, उसे बीजेपी ने संभावनाओं का स्रोत बना दिया है। कांग्रेस ने अलगाववाद को खाद पानी दिया, मोदी ने पूर्वोत्तर को गले लगाने का काम किया। मोदी ने शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किए जो कांग्रेस के 60 वर्षों में नहीं हुआ, वो मोदी ने 10 वर्षों में करके दिखाया। क्योंकि मेरे लिए आपके सपने ये मेरा संकल्प है, आपके सपने ये मेरा संकल्प है, और इसलिए हर पल आपके नाम, हर पल देश के नाम, हर पल आपके सपनों के नाम, और इसलिए 24/7 फॉर 2047। और इसलिए मोदी ने तय किया है कि आप जो मेरे भाई बहन हैं, जो 50 साल के होंगे, 40 साल के होंगे, 30 साल के होंगे, 60 साल के होंगे, अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करते हैं, अब मोदी ने तय किया है, मोदी ने गारंटी दी है कि आपके परिवार में 70 साल की ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, उनकी बीमारी, उनके इलाज की चिंता ये आपका बेटा मोदी करेगा। इन बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। वो बुजुर्ग गरीब हो, मध्यम वर्ग के हो, गांव के हो, शहर के हो, सैलरी कैटेगरी में आते हो, किसान परिवार के हो या फिर उच्च वर्ग के हो, इसमें भी बिना भेदभाव उनकी इलाज की चिंता मोदी करेगा और उससे आपके पैसे बचेंगे। आप अपनी योजना के हिसाब से अपने परिवार के सपनों को पूरा कर पाएंगे। इतना बड़ा काम ये मोदी करने वाला है। सब लोग भले दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप करें, प्रभु राम को सूर्य तिलक हो रहा है, तब हमारे मोबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रणाम कर रहे हैं। हम भी सूर्य तिलक में हमारे मोबाइल के किरण भेज रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम।
जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो, हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी, 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 जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रभु राम के जन्मोत्सव को हम सब ने यहां से उसमें शरीक होकर के आज जब सूर्य देवता स्वयं प्रभु राम जी के जन्मदिन को मनाने के लिए अयोध्या की धरती पर किरण के रूप में उतर रहे हैं, पूरे देश में एक नया माहौल है। और ये प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है, जब वो अपने निज घर में बर्थडे मनाने का सौभाग्य मिला है।